नमस्कार, आप देख रहे हैं आईवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। खबर दिखाने से पहले एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। समाज सेवी अध्यापक राम प्रकाश यादव उच्च प्राथमिक विद्यालय सोनाडी बेलथर रोड जनपद बलिया की तरफ से बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर समस्त क्षेत्रवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं राम प्रकाश यादव उच्च प्राथमिक विद्यालय सोनाडी बेलथर रोड बलिया पूरे अपने जनपद वासियों को, प्रदेशवासियों को, अपने देश निवासियों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं मैं अपने तरफ से देता हूं। ब्रेक के बाद फिर से आपका इस बुलेटिन में स्वागत है। पूर्वांचल के प्रभारी जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्रीय महासचिव जनाब फजल अहमद ने भारतीय जनता पार्टी एवं सीबीआई पर हमला बोला एवं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए सीबीआई को सर्कस का घोड़ा बताया। मीडिया को निशाना साधते हुए कहा कि लोग टीवी देखना छोड़ दिए हैं, सोशल मीडिया को अच्छा बताया है। अपना परिचय देते हुए बताएं कि जो हमारे देश में सीबीआई के साथ भेदभाव चाहे जो लगाया जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपके कलकत्ता में वहाँ पुलिस और सीबीआई में जो राड चल रही है उसके आप क्या कहते हैं? फजील अहमद पार्टी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता, सीबीआई सर्कस का घोड़ा हो गया। सर्कस में जो घोड़ा होता है वो लोगों की इंटरटेनमेंट के लिए रिंग मास्टर चलाता है। रिंग मास्टर के सारे पर सीबीआई जो जिसको चाहो हरासमेंट ब्यूरो हो गया है, ये सीबीआई नहीं हो गया है, ये हरासमेंट ब्यूरो ऑफ इंडिया हो गया है। यदि राजनीति में हमारा कोई विरोध करे तो विरोध करना और सवाल करना अधिकार है लोकतंत्र में हर व्यक्ति का, राजनेता हो चाहे कोई हो, विरोध करना या सवाल करना। तो अब अगर जनतंत्र में अगर सवाल करने के ऊपर सरकार के पास टूल सही है क्या, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स ये सब, जब कोई मुकुल राय जब इसके शारदा चिटफंड घोटाले के लिए निर्भर थे, जब वो ममता जी के साथ थे तब वो बहुत बड़े मुलजिम थे, जैसे बीजेपी ज्वाइन कर रही है तो अब मुकुल राय पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसका मतलब कि सीबीआई का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के लिए की जा रही है। दूसरा सवाल कि जो महागठबंधन हो रहा है, इस गठबंधन से क्या असर पड़ेगा विपक्ष पार्टी? महागठबंधन से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बिहार में तो पूरी स्थिति इनकी खराब है, बाकी जगहों पर भी इन बहुत ज़्यादा अपराध है। नोटबंदी जीएसटी तमाम ऐसे कांड होने के लिए जनता की कमर टूट गई, देश का आर्थिक ढांचा ध्वस्त हो गया। इसलिए जाति का खेल ये क्या कर रहे हैं, 4.5 साल में इतना अच्छा अच्छा काम किया और लोग तो मांग रहे हैं जात धर्म मजहब मंदिर मस्जिद, तो कहाँ अपने अच्छी बात के नाम पर रोटी नहीं मांग रहे। हम तो चाहते हैं कि यदि सचमुच मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है तो चुनाव में उन अच्छे कामों को मुद्दा क्यों नहीं बना रहे, क्यों बार बार गंगा तिरंगा गाय गोबर और तमाम चीज़ों को लेकर के लोगों में विद्वेष पैदा कर रहे हैं, जाति धर्म की लड़ाई लड़ा रहे हैं, आपस में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो अच्छे काम किए, इतना विकास किए, इतना देश को आगे ले गए, दुनिया भर में इनकी चर्चा हो रही है, आज दुनिया में सबसे बड़े प्रधानमंत्री के रूप में माने जा रहे हैं। इन सब चीज़ों को लेकर जनता के बीच में क्यों नहीं जा रहे, जनता इन सब चीज़ों को रोक देगी? वो गाय गंगा तिरंगा इन सब चीज़ों में उलझा करके बात करते हैं। अच्छा, अगर देखा जाए आज कहीं भी किसी तरीके की घटना हो रही है, चाहे कोई भी हिंदुस्तान का कोई भी प्रदेश हो, उस प्रदेश में अगर घटना हो रही है या कोई बात हो रही है तो सीबीआई से जो है, मतलब यहाँ की जो गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी जो सरकार केंद्र में चल रही है, माननीय मोदी जी की जो सरकार चल रही है, तो कहीं ना कहीं सीबीआई का डर दिखा करके लोगों को भय दिखा करके और तोड़ने का काम किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? सीबीआई का नहीं, आप पत्रकार हो ना, आप भी किसी नेता के खिलाफ कुछ भी कहोगे पुलिस से आपको बंद करा दिया जाएगा। ये सरकार का टूल्स होता है, पुलिस, पुलिस को आप क्या समझते हैं? पुलिस नहीं डरवाते, बड़े लोग नहीं डरते हैं, लेकिन आप किसी विधायक के खिलाफ, किसी मुखिया के खिलाफ, किसी जिला पंचायत या सत्ताधारी दल के किसी छोटे नेता के खिलाफ बोल के देखो आप, या कुछ लिख के देखो या कुछ करके देखो, आपके खिलाफ पुलिस उठा के थाना बंद कर देगी आपको। तो ये सरकार का डरवाने का टूल्स होता है, सरकार इसी पे चलती है। हिंदुस्तान में सियासत हर पार्टी इसी इन्हीं चीज़ों पर करती है। आपको क्या लगता है कि 2019 में जो सरकार बनेगी वो सीबीआई का इस्तेमाल गलत नहीं करेगी क्या? सब करती है। जब तक आम आदमी जागेगा नहीं, अपने अधिकार और कर्तव्य को जानेगा नहीं और इन संस्थाओं के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा,
हमेशा सीबीआई हो, ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो काम करती है सरकार के अंडर में और सरकार उनसे हरासमेंट कराती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और अच्छा, सरकार कराती है। अच्छा, लोकसभा पार्टी गठबंधन के साथ जाएगी कि अकेले चुनाव? हमारी पार्टी अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन जो आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय पप्पू यादव जी, जो गरीबों के मसीहा भी माने जाते हैं, तो अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मतलब बड़े चैनलों के माध्यम से देखा गया था कि उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस के साथ रहेंगे। इस देश की अब जो विचारधारा है, माननीय राहुल गांधी जी अब जिस तरह से निखर के आए हैं, ऐसा सचमुच लगता है कि कांग्रेस अभी सीरियस है, भ्रष्टाचार को खत्म कर रही है। 2019 के बाद जो उम्मीद है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, सीबीआई का इस तरह का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। जो क्या प्रियंका वाड्रा, जो राहुल गांधी की बहन भी मानी जाती हैं और गांधी परिवार की बिटियां हैं, तो उनके आने से क्या यूपी के लोकसभा 80 सीटों पे कुछ फायदा होगा या घाटा होगा? पूर्वांचल का प्रभारी बनाया गया है, निश्चित रूप से पूर्वांचल कांग्रेस बहुत कमजोर है, तो उम्मीद की जा रही है प्रियंका गांधी के आने से। अभी जो है आप मीडिया को भी कुछ कहना चाह रहे थे, जैसे कि सुनने में आता है अक्सर आप मीडिया के सामने छाए रहते हैं। मीडिया तो भाई लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, सच को दिखाना मीडिया का काम है, लेकिन मीडिया से मेरा निवेदन है कि सच को सच दिखाया ज्यादा अच्छा है। अभी आप कुछ बोल रहे थे जैसे कि अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है। देखिए पोर्टल चैनल के आने से जिस तरह का मीडिया का बाजारीकरण हो गया था, निवेशीकरण हो गया है मीडिया का, बड़े बड़े उद्योगपतियों के सारे चैनल्स हैं, ये सारे चैनल बड़े बड़े उद्योगपतियों के हैं, ये लोग आम जनता की समस्याओं पर कम ध्यान दे करके बड़े राजनेताओं, बड़े मंत्रालय और बड़े लोगों को पीछे घूमते रहते हैं। ये तो पोर्टल चैनल का धन्यवाद है कि हम लोग ऐसे लोगों की बातें भी समाज के बीच में आ रही है। ये निश्चित रूप से पोर्टल चैनल की वजह से, जो सोशल मीडिया के माध्यम से, पोर्टल चैनल के माध्यम से जो अच्छी खबरें हो रही हैं, जो गाँव ग्राम से, ये छोटी से गाँव के कस्बे से आज आपके माध्यम से मेरी बात देश दुनिया तक पहुँच रही है, तो निश्चित रूप से पोर्टल चैनल को बहुत बहुत बधाई होती है और धन्यवाद भी देता हूँ। पोर्टल चैनल के आने से देश के राजनीतिक सोच और दिशा और दशा दोनों बदली है, ऐसा नहीं है बड़ी बड़े जो चैनल्स हैं, ये तो उद्योग घराने के चैनल्स हैं, ये अपना सरकारों से बात करके क्या करते नहीं करते आपके सामने है, कौन क्या कर रहा है, पब्लिक किसको क्या पसंद कर रही है, लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया, अब टीवी की न्यूज़ सुनना लोगों ने बंद कर दिया, अब पोर्टल खबर को लोग देख लेते हैं मोबाइल पर, लेकिन टीवी की न्यूज़ सुनना बंद हो गया है। इस कदर सत्ता के नशे में ये बड़े घरानों की जो मीडिया है इस तरह चलती है कि आम आदमी की तो बातें ही सुनी होती है, केवल झूठ फैलाया जाता है, केवल लोगों को भ्रमित करने वाली खबरें, गलत खबरें, सीधी सही नहीं है ये, मैं इसको निंदा करता हूँ। इस तरह के मीडिया घरानों से मेरा निवेदन है, मैं आग्रह करता हूँ कि वो देश के बारे में सोचे, गाँव ग्राम किसान की बात नहीं करते ये लोग हर चीज़ को बाजारीकरण की तौर पर कहो ना, कम से कम उसका इंतजाम करो। मैंने तो कहा, कई बार कहा कि गौ पालकों को यदि 5,000 रुपये का मानदेय दे दिया जाए तो दूध की संख्या, दूध का उत्पादन बढ़ जाएगा, हर घर में दूध हो जाएगा और ये आवारा शब्द खत्म हो जाएगा, और जो जानवर ये छोड़ रहे उसको आवारा न कर, सरकार की जिम्मेदारी होती है इन सब चीज़ों को। अच्छा, इस आवारा शब्द जो आज मतलब आपके सामने है, इसको कौन कह रहा है? आवारा को, आवारा पशुओं का आवारा नाम तो आपने ना पूछे कि आवारा ना, हमसे पूछे आवारा नहीं तो कहीं ना कहीं तो देखा जाए तो नहीं, हमसे कहे आवारा, हम तो आवारा जानते ही नहीं, हम लोग तो अपने को आवारा समझते हैं कि हम लोग बेकार है, राजनीति कर रहे हैं, कोई हमारा उद्देश्य नहीं है जीवन का, टिकट के लिए 50 लाख रुपया कहाँ से लाएं, कैसे चुनाव लड़े, शराब कहाँ से पिलावे, मुर्गा कहाँ से खिलावे, दारू कहाँ से पिलावे, तो हम लोग भी तो आवारे तरह घूम रहे हैं, तो हम तो अपने को ही आवारा मानते हैं, घर वाले अलग गाली देते हैं, समाज के लोग बोलते हैं अभी तक एमपी नहीं बने, सब लोग ही बने, तो हम लोग तो खुद ही आवारा हैं, हम लोग क्या दूसरे को बोल सकते हैं आवारा। उत्तर प्रदेश सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हर ग्राम सभा में और नगर पंचायत में गौशाला बनाया गया है और पशुओं की उत्तम भोजन की, जैसे मान लीजिए कि घास है, ये सब व्यवस्था की गई है कि कहीं ऐसा देखने को नहीं मिला। सर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये सारे गौशाला और मवेशी खाना पड़े बोलते थे, मवेशी खाना को बंद कर दिया, मैंने पूछा भाई क्यों बंद कर दिया, तो आप किसी पशु को जेल में नहीं डाल सकते, पकड़ नहीं सकते, अब फिर आप कह रहे हैं कि गौशाला बना के उसको बंदी बना कर रखो, बंदी है ना बना रहे, एक
छोटा अभी तो यहाँ छोटा सा घर कोई लेके या उसमें आप पशुओं को डाल दीजिए, उसके खाने पीने का इंतजाम मत कीजिए। तो इस पर सरकार क्या, सरकार हम क्या बोले, उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है हमारा, अपना स्टेट है, बोलने में अच्छा नहीं लगता है। यहाँ राजनेताओं की सूझबूझ विजन की बहुत कमी है। जैसे आप विभिन्न ग्राम सभा भी घूम रहे हैं, लोकसभा भी घूम रहे हैं, कहीं आपको ऐसे देखने को मिला है जहाँ गौशाला आपको मिला हो? गौशाला तो यहाँ कहीं नहीं है, दिखी नहीं गौशाला। गौशाला तो अखबार वार पढ़ते रहते हैं कि कहीं घूम रहा है कोई, नीता मेहता मंत्री आके पीता उतर लोग काटते हैं, देखने को नहीं मिलता। सुनने में आया कि ब्लॉक व्लॉक पर ही लोगों ने गेट वेट बंद करके डाल दिया है।